Dear children, today we will learn a story in the environmental study and we will learn some moral from this story. One hot day, Dolida was flying in the sky. She was looking for food. Ek din, Dolida aasman mein khane ki talash mein idhar-udhar ud rahi thi. Dolida saw Ariand in the river and he could not swim. डॉली डव देखती है एक एंट रिवर में डूब रही होती है जो कि अब अच्छे से नहीं तैर पा रही है. सो व्हाट शी डू, डॉली डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द रिवर. शी वांटेड टू सेव एरी एंट. डॉली डव रिवर में एक पत्ता अपनी बीक से तोड़कर डाल देती है जिससे कि एरी एंट उसके ऊपर चढ़ जाता है. यहाँ पर डॉली डव का इरादा है कि वो एरियंट को बचाना चाहती है. ही मूव टूवर्ड्स द लीफ. द लीफ कैरिड एरियंट टू द ग्राउंड. एरियंट लीफ पर बैठकर कुछ देर के पश्चात ग्राउंड की तरफ आ जाती है, किनारे पर आ जाती है रिवर के, एंड देन वो फिर ग्राउंड की तरफ चल पड़ती है. सो लाइक दिस डॉली डव सेव द लाइफ ऑफ एरियंट. एरियंट सॉ अ हंटर. The hunter aimed his gun at the dolly dove and the airy ant bit the hunter. The hunter cried, ouch. जैसे ही वो बाहर आता है airy ant, वैसे ही वो देखता है कि एक hunter ने aim लगाया हुआ है dove की तरफ और वो उसे मारना चाहता है. तो वो उसके हाथ पर चढ़ जाता है, hunter के हाथ पर, और उसे काटता है जिससे कि हंटर को दर्द होता है और उसका निशाना चूक जाता है. एरियंट सेव डॉली डव. डॉली डव थैंक्ड एरियंट एंड फ्लू अवे. अब एरियंट ने डॉली डव की हेल्प की, उसकी ज़िंदगी बचाई और डॉली डव ने उसे थैंक यू बोला और उड़ गई. सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ से क्या मॉरल मिलता है? काइंडनेस इज रीपेड विद काइंडनेस. दयालुता दयालुता से ही बदली जा सकती है, या दयालुता का प्रभाव दयालुता ही मिलता है. आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा. आप अच्छे से बोलेंगे आपको भी अच्छे से बोला जाएगा. इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि हमसे बाकी भी लोग अच्छे से बात करें, हमसे भी अच्छे से ट्रीट हों, या वो हमें अच्छे से ट्रीट करें. So I hope you enjoyed the story. Thank you. Have a nice day.